हेलो नमस्कार सत श्रीकाल आदाब नाम सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय दिस ब्लॉग। तो यार मेरे को जाना था कल दिल्ली डायरेक्ट, लेकिन मैं जा नहीं पाया। मेरे साथ एक कहानी बनी थी, मैं आपको बताऊँ कोई कहानी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ना ये वाला जब लगभग सुबह के 6 बजे और हम जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली, फ्लाइट नंबर 329। तो कल मैं जा नहीं पाया डायरेक्ट क्योंकि हमारी फ्लाइट डिले होगी। पूरी कहानी बताऊँ आपको लैंडिंग के बाद। You'd call back. You must be missing me so bad. When you left, you said that I don't deserve you, but I can see that you don't wanna lose what we had. Oh, you're the one that I need. Let's just sneak in slow and just breathe. Loving someone is not easy, you know, but it makes us feel alive. So we go with the flow. Just love me harder, have no mercy on me, just tell me louder. If you're loving me, just love me harder, have no mercy on me, tell me louder. If you're loving me. सर कैप्टन ने जहाज को बहुत सही तरीके से भगाया और हमें लगभग सेक्यू ड्राइवर से ना 15 मिनट पहले लैंड कर दिया। और यहाँ से जिस रनवे पे हमने लैंड किया उससे ना टैक्सी भी बहुत छोटी है, उसके से 5 मिनट में पार्क हो जाएगा जहाज। 5 मिनट के बाद 5 मिनट बाहर जाने में लगेंगे ना। मिलता हूँ वो आपको मैं बाहर जाने। कहानी क्या हुई कि हम ना हैदराबाद से जो सेक्टर कर रहे थे कोचीन का, कोचीन हम आ गए थे अपने शेड्यूल अराइवल से भी पहले, आधे घंटे पहले। लेकिन मेरे को वहाँ से पता था अगर मैं मुंबई जाऊँगा तो मेरे पास बस 25 मिनट का टाइम होगा। तो जैसे ही हमने ना टैक्सी स्टार्ट की, उस बैक होने के बाद टैक्सी स्टार्ट किया ना, तो पीछे से कॉल आई कि भाई देर इज़ एमरजेंसी ऑन बोर्ड, डॉक्टर रिक्वायर्ड है। तो उसमें ना वो 20 मिनट ख़राब हो गए थे हमारे। तो जैसे ही मैं मुंबई पहुँचा भाई फ़्लाइट जा चुकी थी और वो फिर भी हाथ नहीं आती, क्योंकि उसका जो डिपार्चर टाइम था वो था 11:50 का, लेकिन वो 11:35 पे ही निकल गई 20 मिनट पहले, जो टाइम मेरे पास था ना गया। तो मैंने क्या काम किया, लाउंज था नहीं, लाउंज एक्सेस था मेरे पास, तो डिस्पैच में एक सोफ़ा पड़ा है अंदर जाके, एक पायलट लाउंज है, तो उसमें गया भाई मैं सोफ़े पर सोया 5 घंटे। 4 घंटे मेरे को नींद आई, सुबह उठा अलार्म भर दिया था कि ये फ़्लाइट भी निकल जाए, क्योंकि मैं सुबह भी आ सकता था। अगर मैं सुबह कोचीन से आता ना तो मेरे को ना मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाता, क्योंकि वहाँ से ना फिर मुंबई से फ़्लाइट थी दिल्ली की 3 बजे। तो 3 बजे का मतलब है कि मैं घर पहुँचता वही 8 बजे के आसपास या 7 बजे के आसपास। तो मैंने सोचा यार 4 घंटे रात को एयरपोर्ट पर वेट करो और आराम से सुबह पहुँच जाओ। तो अभी मैं 10 बजे पहुँच जाऊँगा यार। तो ये थी कल की कहानी, पर बहुत स्ट्रगल है यार। मतलब लाइक कहने को हम पायलट हैं, लेकिन ये चल रहा है मेरा हरियाणा रोडवेज का सफ़र, मैं नज़दीक से इसलिए बोल रहा हूँ, तो तुम लोगों को आवाज़ नहीं जाएगी। तो यार अगर तुम गांव से हो, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, कभी जहाज में नहीं बैठे हो, कभी एयरपोर्ट तक नहीं हो, तो क्या पायलट नहीं बन सकते हो? मैं भी नहीं कहता था भाई, होना और कुछ भी कर सकते हो, पायलट की बात नहीं कुछ भी, बस डेडिकेशन चाहिए भाई, डेडिकेशन हार्ड वर्क। कैसे कहेंगे, यही कपड़े पहनती है? नहीं भाई, कोई मत कहना बाकी है, यही कपड़े पहन के रहती है ब्लॉग। और पता है ये क्या वेट कर रही है, ये देख रही है सामान मैं क्या क्या लाया हूँ इसके लिए। चल निकाल के दिखा रहा हूँ, ये जेली लाया हूँ इसके लिए। आज भी पता है ये जेली का डब्बा है, ये है, ये मैंगो फ्लेवर जेली है, और ये फ्रूट जेली के 2 पैकेट है। इसमें ना कोकोनट भी है, कोकोनट। तो इन्हीं कपड़ों को पहन के क्यों रहती है? ये देखो यार, ये इसके अंदर दो दो वाइट वाइट कलर के दिख रहे हैं ना, ये कोकोनट है। तो केरला में अच्छा, एक मैंने तेरे को एक दिया, एक और पैकेट है यार, मेरे को पता नहीं था। सही है, वह दुबका के रखे उससे। और इसमें एक और कुछ चीज है, इसमें तो बहुत बड़े वाले नारियल पड़े हैं। हाँ हाँ, इसमें पता नहीं क्या है यार, मैं लेके तो आया, देखिए एक बार निकाल के देख। ओ जेली वाली कैंडीज है यार इसमें, ये वाली ना की तो चांदी जाएगी। इतना सारा सामान लाया मैं इसके लिए, ऐसी थोड़ी ना था भारी, नहीं ऐसी थोड़ी मोटी हो रही हूँ। कितनी मोटी हो गई।
तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं घर पे यार, और अब मेरे को करना है आराम, क्योंकि रात को मेरी पूछो मत कितनी, मैंने बताया ना आपको कितना बुरा हाल हुआ था मेरे साथ, तो अब पूरे दिन सोने के बाद भी थकान नहीं उतरेगी, रात को फिर से सोना पड़ेगा। और इसको हमेशा शिकायत रहती है कि वैसे बातें क्यों नहीं करता यार, मेरे को रात में नींद आती है, तो आज भी मैं सोऊंगा भाई दबा के। तो मैं मिलता हूँ आपसे आराम करने के बाद, फ्रेश फ्रेश होने के बाद यार, बहुत लंबा सफ़र करके आया हूँ। कितने कितने घंटे हो गए, कितने घंटे का हो गया यार? मैं चला था अभी अभी बज रहे 11 दिन के, तो मैं चला था वहाँ से 6:30 बजे, 6:30, 11 भाई बता दें कितने, कैलकुलेट करके बता देना यार। अरे अगर कोचिंग से ही लगाओ तो आप पता है कितने बजे निकले थे, 1:30-2 बजे के दौरान, पता नहीं यार मैं, हाँ मतलब मेरे को 18-20 घंटे 22 घंटे के आसपास हो गए, नहीं कम ही हुआ है। तो यार बताइए कि मैं ये लेके आया हूँ ना, ये तो ज़्यादातर लोग तो इंडिया में मिडिल क्लास हैं यार, मिडिल क्लास में मतलब डब्बे में कोई चीज़ आए ना तो मम्मी लोग ना ये सामान देख के खुश नहीं होती, डब्बा देख के खुश हो जाएगी मेरी मम्मी, बोले यार डब्बा बढ़िया है। अरे राखी कह रही थी कि ये कच्चे हटा दो भाई, पीछे से बैकग्राउंड बढ़िया नहीं है, अरे मेरे बेटे के कच्चे यार ही। तो बेटे है कि तो हटा नहीं सकते, वो मैंने सफाई की थी, मैं नहीं हटाऊंगा, जैसा हूँ वैसा। अच्छा आप ऐसे हो तभी तो पसंद आ रहा है, दिखाने आ रही, ये तो बहुत सही चीज है। एक इनके लिए, ये आपके लिए, मम्मी का रिएक्शन देखना डब्बे के, मम्मी ले अरे हां मम्मी के लिए है, मीठी मीठी खाने की चीज कोई है, बढ़िया है। मम्मी कह रही है चम्मच बड़ी मस्त है। सबको जेली बांटी जा रही है, बहुत सारी है मम्मी, हार भी देख के खुश हो जाएगा, हार भी तो दुकान लगती है। एक मेरे लिए, अब ये कैंडी खाई जाएंगी, खाना बनाने की जरूरत तो है नहीं फिर। अरे बात तू नहीं, कैसे मजे आ रहे बेटा बताओ, हाँ आरविक को पीटेंगे दोनों मिलके, ठीक है डिशुम डिशुम, ठीक है तेरी कवर तोड़ जाएगी, डिजका डिजका, चलो सो जाओ बस बस, हमारा झंडा हर जगह लगेगा। तो यार मैं आर्मी को लेने आया हूँ, मेरे को नींद आ रही थी पर मैं इसका वेट कर रहा था भाई कि कब 1 बजे का कब मैं इसको लाऊंगा। फाइनली हम दोनों की मुलाकात हो गई, अब इसको मैंने जेली देनी है घर जाके। बेटा आपके लिए जेली लाया हूँ, है ठीक है, बोला नहीं कुछ आपने, बोला क्या, बोला क्या बोला है, जेली हाँ हमेशा स्कूल से मैं आरवी का ऐसे ही लाता हूँ, क्यों बेटा गोदी में ही आते हो ना ऊपर ही कंधों पे। प्रॉपर रेस्ट कर लिया, मेरे को उठे भी आधा घंटा हो गया है और मैं बाहर घूम के भी आ गया हूँ यार, तो मैं ये वाली वीडियो करूँगा यहीं पे ख़त्म, क्योंकि ये फिर बहुत लंबी हो जाएगी, और कल वाली वीडियो में, कल वाले ब्लॉग में जब मैं आपको, जब भी मैं शूट करूँगा 101% हो गई होगा भाई, अब थोड़ा सा डेडिकेशन दिखानी है, तो कल वाले ब्लॉग में आपको बताऊंगी मेडिकल इमरजेंसी जो हुई थी ना इस वाली फ्लाइट में, तो उस केस में केबिन क्रू और पायलट क्या क्या एक्शन लेते हैं, बहुत प्लेन वीडियो में बताऊंगा, नॉर्मल आदमी को भी समझ में आएगी, ऐसा नहीं कोई मैं टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करूँ, तो भाई ज़रूर देखना वो वाली वीडियोज़ तो भाई ज़रूर देखना वो वाली वीडियो, तो मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में, चलो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।